नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में चल रहे दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे आज मॉडल तहसील से पोलिंग पार्टियों को नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए रवाना किया गया, जहाँ 2 नगर पालिका और 8 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव में कुल 2,59,383 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,41,599 है, वहीं महिला मतदाता की संख्या 1,17,784 है। सभी नगर निकाय में अध्यक्ष पद के कुल 106 प्रत्याशी हैं, सभासद पद के लिए 964 प्रत्याशी हैं। सभी 10 निकायों में कुल 167 वार्डों में 115 मतदान केंद्र व 387 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 50 केंद्र संवेदनशील, 53 अति संवेदनशील व 12 अति संवेदनशील प्लस श्रेणी में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दसों हमारे नगर निकायों में आज पोलिंग पार्टी का प्रस्थान संबंधित तहसील मुख्यालय से हो रहा है और 1+4 की टीम लगाई गई है कर्मचारियों की, और वो सभी कर्मचारी आज अपना सामग्री लेकर के और प्रस्थान करेंगे। मतपेटियां उनको दी जा रही है, एक मतपेटी अध्यक्ष पद के लिए, एक मतपेटी सदस्य पद के लिए और एक अतिरिक्त रिजर्व में, और बाकी सारा सामान मतपत्र उनको दे करके बसों से रवाना कराया जा रहा है। 8 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं, सभी का प्रस्थान आज 8 बजे से शुरू हो गया है।